अब इसका वजन दिखाते हैं, आटा कितना है इसमें। आटा डाल दिया है फिक्स 1 किलो। ठीक है, चार लोगों के लिए हम बना रहे हैं। अब इसके अंदर जाएगी अजवाइन, तो ये छोटी चम्मच है, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम आती है इसके अंदर अजवाइन। ठीक है, तो ये 1.5, ज़्यादा मत करना। ठीक है, अब इसको क्या है, थोड़ा सा हथेली को बीच में लेके थोड़ा सा बस कश किया और ये हो गया। ज़्यादा लोगे तो क्या, फिर वो खारी खारी हो जाती है बाटी। आधा टेबल स्पून से कम हल्दी है, हल्दी डाल देना इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और आधे से थोड़ा कम 1.25 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया। अब इसकी जो मेन चीज है वो इसके अंदर जाएगी, वो है मूंगफली का तेल। टेबल स्पून की साइज से आपको बता रहा हूं 1 किलो आटे में कितना पड़ेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, और ये 15 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, मूंगफली का तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाटी कई प्रकार से बनती है, जैसे नॉनवेज के अंदर जो बाटी काम में आती है, मीट वगैरह के साथ में हमारे राजस्थान में जो बनती है, उसके अंदर क्या है, ऑयल बहुत कम पड़ता है। ठीक है, मोयन पड़ता है हल्का फुल्का, लेकिन ये जो बाटियों के साथ में, ये दाल के साथ में खाने वाली होती है, इसके अंदर मोयन थोड़ा अच्छा पड़ता है, ताकि बाटी एकदम पोसरी हो। ठीक है, वो आपको मैं बनने के बाद में तोड़ के दिखाऊंगा, तो इसमें मोयन थोड़ा ढंग से काम में लिया जाता है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छा सा सख्त आटा, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम आटा लगा लेता हूँ, फिर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आटा लग चुका है, 2 गिलास पानी इसके अंदर गया है, 1 किलो आटा है ये। ठीक है, आटा मोटा है ये ध्यान रखना आप, मैंने मोटा काम लिया, बाकी अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं। 2 गिलास पानी लगा है, मतलब 250 ml का 1 है गिलास, हल्का फुल्का ऊपर मान सकते हो आप। आटा लग गया, अब इसको कम से कम हम 12 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, ढक के गीले कपड़े से ढक देंगे इसको। जब तक आटा फूल के सेट होता है, तब तक इसको हम बाटी मेकर को गर्म होने के लिए छड़ा देंगे। ठीक है, पेड़े कैसे बनाने बताता हूँ आपको। 1 किलो में ये 19 से 20 बाटी बनती है, जैसे लोया तोड़ा। ठीक है, तो मोटे आटे के लिए खास का ध्यान रखना, ये जो गीले कपड़े से हम ढकते हैं ना, इसमें ऐसे हाथ रगड़ा ये। ठीक है, तो हल्की सी नमी पकड़ ली हाथ है, हल्की सी एकदम। अब ये क्या छूटेगी नहीं इसके अंदर से, वरना इसमें से क्या मोटे आटे में क्या दाने निकलते हैं। हथेली को सीधी की, इसको ऐसे किया, इसमें दबाया और इसमें राउंड में घुमा लिया। ठीक है, एक तरीका तो है ये, हो गई, कहीं से भी फटी भी नहीं हो, बस इसका ध्यान रखना आप। दूसरा तरीका क्या है, वही हाथ गीला किया, अब इसको बांध लो आप। कैसे बांधोगे, एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर, इसके बीच में ऐसे लड्डू बनाते हैं वैसे, बांधी और ये घुमाई और ये हो गई तैयार। ठीक है, कहीं से भी फटी भी नहीं होनी चाहिए ये बिल्कुल भी, बस इसका ध्यान रखना। तो ये 19 बाटी तैयार हो गई है, अब इन्हें जमा दिया है। जो अगर थोड़ी बहुत मोटी रह जाए तो उनको तो रखना बीच के अंदर, और जो हल्की बहुत छोटी रह जाए उनको रखना साइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि बीच में जो मोटी रहेगी वो गर्म आँच बीच में ज़्यादा रहती है, इसलिए जल्दी पकती है। छोटी वाली रहेगी वो साइड में भी पक जाएगी। ठीक है, अब बस इसको ढक देंगे और ढक के पकाएंगे, बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। 17-18 मिनट हो गई इनको सीखते हुए, बीच की बाटियां हैं वो कितनी सीखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है हल्का गोल्डन टाइप कलर है इसका, बस इस लेवल पे हो जाए तो एक बार इसको उल्टी मार देंगे, जिसका भी कलर हल्का गोल्डन टाइप हुआ है। ठीक है, देखिए दिख रहा है हल्का हल्का सीखी है, इनको सबको हम उल्टी मार देंगे एक बार, दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझाता हूँ, सारी बाटियाँ उल्टी मार दी, अब इसमें कलर देखना है। इस साइड में लाइट है, ये सब लाइट है, ये इधर से डार्क हुआ और ये इधर की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बाटी कुकर हमारा इस साइड में ज़्यादा है, तो गैस की फ्लेम उस साइड ज़्यादा जा रही है, तो इसको हल्का सा आगे सिरका देंगे हम। ठीक है,
बराबर हो गया, सेंटर में आ रही है। बाटियों को सेकते हुए 35 मिनट हो चुकी है। अब ये जो कहीं कहीं से जो बाटी नीचे से सिक गई है, जो वाली बाटी, ठीक है, उसको हल्का सा हम टेढ़ी कर देंगे, ठीक है। जैसे ऊपर से सिकी हुई थी पहले बदली थी, नीचे से सिक गई, तो अब इसको कर देंगे हम खड़ी, समझ गए। बस ऐसे पलटनी है इन बाटियों को, जैसे ऊपर से सिक गई, ऊपर से सिकी, नीचे से अभी कमी है, तो इसको रहने दो, बस ये ध्यान रखना। सबको घुमा दिया है, जो जिधर से कच्ची है उस हिस्से को नीचे कर दो, जिधर से पक गई उस हिस्से को घुमा के ऊपर कर दो, ठीक है। बस ऐसे घुमा घुमा के इसको सेकते जाएंगे, पूरी तैयार हो जाएगी, तब आपको दिखाता हूँ। मीडियम फ्लेम के ऊपर बाटियों को 1 घंटे तक हमने रोस्ट कर लिया है। बाटियां हमारी हो चुके हैं रेडी। बाटियों को ज़्यादा चलाना नहीं है, ठीक है, 1 घंटे तक रोस्ट हुई है, अच्छे से पक चुकी है ये। तो आपको ऐसा नहीं देखना कि इसको बाहर से पूरा जलाते अपन, ठीक है, पूरी पक चुकी है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, एक भी बाटी ना जली है ना कच्ची है। बाटी आपको तोड़ के दिखाता हूँ अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। गर्म है थोड़ी, देखो ना कितनी सॉफ्ट है, ये देखो पूरी बाटी खुल गई, दिख रही है, पूरी अंदर तक पक चुकी है ये, आराम से टूटेगी एकदम, ये देखो दिख रही है, शानदार, एकदम सॉफ्ट, ये लो।